दोस्तों एक बार पूर्ण स्वागत है आप लोगों का इस नव चेतना सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित गढ़ कौथिक 2023 कोटद्वार उत्तराखंड के तृतीय दिवस यानी कि तीसरा भाग में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। यदि दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले गढ़ कौथिक 2023 के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग उसे ही देख सकते हैं। मैंने समस्त कार्यक्रमों को समावेश करके अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों आज इस गढ़ कौथिक 2023 में शैल संगीत रंगमंच संस्था के द्वारा शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और जो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डेज में जो कार्यक्रम हुए थे उन सभी लोगों का सम्मान होंगे यानी कि सम्मान समारोह होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारे यहाँ वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपका स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। यदि आप लोग हमें कोई सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। यस करो लो न्यार पहाड़े माँ खुट पैर ली खुट पे जबी हाथ में पौधिया नाखन
बड़ा धूल झुमकीदार घर में बिंदिया तब देख लो चर में जाट पाड़ी चलियो दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ से आज के समस्त कार्यक्रमों की एक झलक। हमर जीवन में बहुत जरूरी हमर रीति रिवाज संस्कृति सभी यू ख्याल मालूम है बसे रहे तो ख्याल मालूम भी अपने एक अलग से हो चे। आज तीसरे दिन ये कथु में शह संगीत रंगमंच की आप लोगों संग प्रस्तुति शुरू हुई च और जितना भी माधव है और जितना भी हम दर्शक लोग के सबसे अनुरोध छे कि वो अपना स्थान ग्रहण करी जल्दी ही जल्दी आप संगे हमारी आज की कार्यक्रम शुरू हो चु। धन्यवाद। श्रीमती कुसुम असवाल जी का इस मंच के माध्यम से हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वीकार किया आमंत्रण हमारा रखा हमारा मान कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है आपका श्रीमान। अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पार्षद अनिल रावत जी से, कृपया नगर आयुक्त साहब का बैच माला
माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कोशिश करेंगे। श्री सतीश कुमार जी से अनुरोध, कृपया आप आज के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल जी। पूनम गोसाई जी और पूनम नेगी राधा रुक्मणि कीर्तन मंडली, कृपया आप भी मंच गाने का कष्ट करेंगे। भाई जय अलंकरण करें श्री अरुण कुमार भवन जी, आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया आप नगर आयुक्त साहब का भाई जयंकरण करें, स्वागत करने का कष्ट करेंगे, अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। और कुलवंत पुण्य जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप सुरेश असवाल जी मान्य ब्लॉक प्रमुख जी का भाई जयंकरण कर स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती पूनम गोसाई जी, आपसे अनुरोध, कृपया आप श्रीमती कुसुम असवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और पूनम गोसाई जी, आपसे अनुरोध, कृपया कुसुम असवाल जी का पैर जलन कर स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नगर आयुक्त साहब और मान्य ब्लॉक प्रमुख पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सुरेश असवाल जी, आज का इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। अनुरोध करना चाहूंगा माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश सवाल जी से, कृपया आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, तो आशीर्वाद के रूप में दो शब्द। आज वार्ड नंबर 2 में नव चेतना सामाजिक संस्था के द्वारा गढ़ कौथिक मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पार्षद यहाँ पर अनिल रावत जी हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता जी और यहाँ पर हमारे सभी नव चेतना के सभी आयोजक का यहाँ पर मातृशक्ति, भाई बहनों, बुजुर्गों, मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी का मैं यहाँ पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देने पहुंचे हमारे महान कलाकार प्रकाश चंद गढ़वाली जी की पूरी टीम, उनको भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारे नव चेतना सामाजिक संस्था के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जो गढ़ मेला है, ये बहुत ही कम समय में और बहुत कम जगह में इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके लिए मैं एक बार फिर पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और यहाँ पर कीर्तन मंडलियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी है, लगातार एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ, उनको भी मैं दिल से उनका भी मैं स्वागत है। बहुत बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम किया है, उनका उनको भी अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है। हेलो, अब मैं पार्षद जी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नगर आयुक्त आयुक्त साहब को मैं ये भी अवगत कराना चाहूँ, क्योंकि ये आपके नगर निगम का ये वार्ड है और इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पे हो रही है,
तो ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकती थी। इस हेतु जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए हमारी पूरी जनता जो है आपका हृदय से आभारी है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये मोमेंटम बैठ करते हैं जो तालियों से लगा रहे थे सबका। अशोक पंचाल जी, आपसे अनुरोध, कृपया आप प्रमुख पूर्व प्रमुख साहब को स्वयं लगाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे, अनुपस्थित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती कुसुम असवाल जी का अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित और आभार व्यक्त करने का कष्ट करेंगे। और गजेंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध, कृपया आप चलिए, हो गया। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन और आभार। अब मैं अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, कृपया हमारे अतिथियों को आदर सहित मंच पर यथा स्थान ग्रहण कराने का कष्ट कीजिए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। अरे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे, लेकिन आप जैसा हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आपके इस क्षेत्र के लिए अमूल्य निधि है और हम आपका जान से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और आपके सहयोग हेतु आपकी पूरी पूरी सराहना भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
निचोड़, हाथ करो खून निचोड़ वाले हो, हाथ खड़े करिए, जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने दिखाया था। और आयुक्त साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सर के पांव छुओ, ये बेटा स्कूल में रखना है और इसको देखते हुए आगे पढ़ने का जज्बा जो है लेना है। हो गया, ठीक है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हैं। प्रमुख साहब से, पूर्व प्रमुख साहब से अनुरोध, कृपया अध्यापक अध्यापिकाएं या टीम मैनेजमेंट, यदि आप भी आए हैं तो आप भी मंच में सादर आमंत्रित है अपने अपने बच्चों के साथ। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। न्यू ईयर ऑफ पब्लिक स्कूल। आयुक्त सर, आयुक्त साहब से अनुरोध, कृपया हमारे मुख्य अतिथि इन बच्चों को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से बच्चों का जरूर हौसला अफजाई करना है। ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को मंच प्रदान करते हुए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिल सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, आ जाइए गुरु रामराय पब्लिक स्कूल। टीम मैनेजमेंट में आ जाइए, आगे आइए। ये सब आपके परिश्रम का ही परिणाम है, आपको बहुत बहुत बधाई। कन्या इंटरमीडिएट का लाल आपके टीम मैनेजमेंट, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों के लिए, जरूर आपके ही बच्चे हैं और आपने ही इनको आगे बढ़ाने में मदद कर दी है। अनुष्का नेगी पुत्री श्री अनिल नेगी नाथ को, भव्य रावत पुत्री सत्येंद्र रावत कुंभीचौड़, भव्य रावत है आ गई, अच्छा भव्य रावत पुत्री श्री सत्येंद्र रावत कुंभीचौड़ है। इसके बाद श्रद्धा कृपया बैज अलंकरण कर आपका सम्मान करने का कष्ट करेंगे। और इसी क्रम में मैं श्री शैलेंद्र सिंह रोटेला जी, जो कि इस जमीन के भूस्वामी हैं, प्रेम सिंह रोटेला जी इस जमीन के भूस्वामी हैं और अन्य भूस्वामी जिन्होंने इस जमीन को हमें इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जमीन उपलब्ध, मैं श्री शैलेंद्र सिंह रोटेला जी और श्री प्रेम सिंह रोटेला जी और अन्य भूस्वामियों का भी नव चेतना सामाजिक संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके सहयोग के कारण ही हम इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न करा पाए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सजेंद्र रोटेला प्रेम रोटेला जी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां किशन भाई के लिए, पुष्कर पवार भाई के लिए, श्री प्रवीण थापा जी के लिए।
आते हैं कमल रावत जी के लिए भी। सभी कलाकार बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे और ये बीच में सम्मान समारोह ये सब चलता रहेगा। अब मैं गजेंद्र कृष्ण जी से अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद।